हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि KTM की ड्यूक 250 जो है उसे इतना ज़्यादा क्यों पसंद किया जाता है? 250 सेगमेंट में उसे सबसे ज़्यादा क्यों पसंद किया जाता है? इसका सबसे बड़ा क्या रीज़न है? वो रीज़न मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ये जो वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाली है कि अगर आप KTM की ड्यूक 250 लेने की सोच रहे हैं, तो अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन होगा कि अगर मैं बाइक को लेता हूँ तो क्या मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा या मुझे कुछ लॉस तो नहीं होगा, तो उस चीज़ को लेकर ये वीडियो जो है पूरी आपको क्लियर कर देगी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 250 के बारे में कि ड्यूक 250 को इतना ज़्यादा क्यों पसंद किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, KTM ड्यूक 250 को पसंद करने का सबसे बड़ा जो पहला रीज़न मुझे लगता है वो लगता है इस बाइक का लुक। ऑब्वियसली बात, दोस्तों, KTM ड्यूक 250 का अगर आप लुक देखेंगे तो इसका जो लुक है वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अलग सा आपको ये फील देगी। और 250 सेगमेंट में, यानी कि नेकेड सेगमेंट में, इस सेगमेंट में कोई और बाइक आपको इससे बेहतर लुक नहीं दे सकती। इस लुक में दोस्तों, मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। लुकिंग वाइज, डिजाइन वाइज, इस बाइक को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस बाइक को पसंद करने का ये सबसे पहला रीजन है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट रीजन के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक की पावर। अब आपको पता है कि KTM की ड्यूक 250 या KTM की कोई भी बाइक हो, उनको भाई उसके पावर के नाम से जाना जाता है। पावर में भाई इस बाइक का कोई तोड़ नहीं है, और इस बाइक की जो परफॉर्मेंस वो आपको इतनी बेहतर देखने को मिलती है कि भाई कोई और ब्रांड आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकालकर नहीं देता। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि KTM की ड्यूक 250 को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और पर्सनली यार, मुझे भी KTM की जो ड्यूक 250 वो बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी आपको ड्यूक 250 कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 3 रीज़न के बारे में बात कर ले तो वह दोस्तों इस बाइक की लाइट्स। जी हाँ, इस बाइक में आपको जो लाइट्स मिलती है ना, उस वजह से भी इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, इसमें आप लोगों को फुली LED सेटअप में लाइट देखने को मिलता है, और अपनी KTM की जो ड्यूक 200 सीरीज़ है उसमें आपको पता है कि LED लाइट नहीं आता। इसलिए मैं आजकल देख कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग होते हैं भाई, वो स्विच कर रहे हैं KTM ड्यूक 200 से 250 में स्विच कर रहे हैं, क्योंकि इस बाइक की जो लाइट्स है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बाइक को आपको बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। नंबर 4 रीज़न के बारे में अगर बात करें तो है दोस्तों इस बाइक का कंफर्ट। अब आपको बताएं कि ड्यूक 250 एक नेकेड स्पोर्ट की बाइक है, और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आप इसे राइड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई अगर मैं टूरिंग के लिए कोई बाइक देख पा रहा हूँ, तो भाई मेरे हिसाब से ना, इंडियन मार्केट में इससे बेहतर बाइक आपको नहीं मिलेगी टूरिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और दोस्तों, मैं खुद ड्यूक 390 राइडर हूँ, तो मुझे पता है कि भाई मैं मतलब बाइक जो है चला रहा हूँ तो बाइक कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऑब्वियसली बात है, 250 और 390 का जो राइडिंग पोस्चर है वो पूरा सेम है। सो मैं भी जानता हूँ दोस्तों, KTM की जो नेकेड स्पोर्ट की बाइक होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। ये भी एक रीज़न है बहुत बड़ा कि बाइक को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट रीज़न के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम। ड्यूक 250 में आपको जो ब्रेकिंग देखने को मिलेगी, वो किसी और ब्रांड में आपको इतनी बेहतर ब्रेकिंग देखने को नहीं मिलती। इस बाइक की जो ब्रेकिंग है यार, वो आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है। बाइक की टॉप स्पीड भी अच्छी है, तो ब्रेकिंग भी आपको उतनी बेहतर देखने को मिलेगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस बाइक को राइड करने में। तो ये ऐसे सारे रीज़न है जिस वजह से इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि प्राइस भी ज़्यादा है, बट ये मेन रीज़न है 4 से 5 जिस वजह से बाइक को पसंद किया जाता है। पावर, लुक, इंजन, कंफर्ट और ब्रेकिंग। बाकी आप बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस बाइक को लेकर। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।